हेलो भाई लोग, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ही होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको दर्पण से संबंधित जो पद है उसके बारे में बताया था, ठीक है? किसके बारे में बताया था? दर्पण से संबंधित जो पद था जिसमें क्या क्या था मैंने बताया था आपको। सबसे पहला मैंने पॉइंट बताया था ध्रुव के बारे में। किसके बारे में? ध्रुव के बारे में, ठीक है? जिसको पोल कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? पोल कहते हैं, ठीक है? दूसरा पॉइंट मैंने बताया था आपको, फर्स्ट बताया था, दूसरा बताया था वक्रता केंद्र के बारे में। किसके बारे में? वक्रता। दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहते हैं? जो दर्पण का मध्य बिंदु होगा, क्या होगा? मध्य बिंदु, इसी को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र होता है जो जो मतलब ये मान लीजिए हो गया दर्पण बना, ये कहीं ना कहीं केंद्र से तो इसे बना होगा ना, ये चाप काटे होंगे। जिस केंद्र से कोई भी गोले दर्पण बने, जिस खोखले गोले का भाग हो, उस गोले केंद्र का कहते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके बाद मैंने बताया था ये हो गया वक्रता केंद्र, और वक्रता त्रिज्या बताया था ये हो गया हम लोग का ध्रुव, ठीक है? वक्रता केंद्र यानी ये वक्रता केंद्र और ध्रुव से क्या जो बीच की दूरी होगा उसी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं उसको? वक्रता त्रिज्या। इसके बारे में मैंने आपको बताया था वक्रता त्रिज्या, ठीक है? और उसके बाद समझिए मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है? तो जब आप ध्यान दीजिए, दर्पण के ध्रुव और फोकस को जो मिलाने वाली रेखा होती है, जो रेखा मिलाता है, ये वाला रेखा मिला रहा है ना, तो इसी का कहते हैं दर्पण का मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? दर्पण का मुख्य अक्ष, ठीक है? इसके बाद फोकस समझ लीजिए। फोकस क्या है? तो दर्पण का ये जो दर्पण से ये जो किरण आपतित होती है, ये जो समांतर यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष इसके समांतर ये किरण आपतित हो रही है, यहाँ से आगे परावर्तित हो जा रही है। यानी कि जो किरण आपतित होती है ना, अब आपतित होने के बाद जो ये जहाँ से ऊपर कटेगी परावर्तित होने के बाद, तो यानी कि यहीं पर क्या कहलाएगी? फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। तो फोकस दूरी समझ लीजिए, फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। क्या कहते हैं बाबू? फोकस दूरी कहते हैं। इन सभी पॉइंट्स को मैंने पिछले वीडियो में क्लियर कर दिया था, ठीक है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ठीक है, देखिए आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा गोले दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या होता है और क्या होता है फोकस दूरी होता है, इसमें क्या संबंध होता है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो समझ लीजिए बाबू, फिर से समझिए, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है उसके बारे में आपको बताऊंगा। समझिए, किसी गोलीय दर्पण, चाहे वो उत्तल हो या फिर अवतल हो, या फिर अवतल हो फिर या उत्तल हो, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या जो होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है? फोकस दूरी जो होता है ये क्या होता है? फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या कौची होती है? आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। फिर से समझ लीजिए, गोले दर्पण की जो फोकस दूरी होगी हमारी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। यही गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या है? संबंध है, अर्थात एफ बराबर आर बटा दो, एफ बराबर आर बटा दो, ठीक है? चलिए इसे देखिए, ये देखिए एक डायग्राम बनाया गया बाबू, ये क्या डायग्राम है? ये कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है, ठीक है? ठीक है, समझिए इसको। तो देखिए ये देखिए, ये हो गया मतलब ये हो गया हम लोग का चीज, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं, और ये हो गया समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण ये निकल गया। यहाँ पे जो यहाँ पे कटता है क्या कहलाता है? फोकस। ये फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहते हैं? फोकस दूरी। ये हो गया कौची? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। समझ लीजिए, लिखे हैं, माना कि एम एन एक छोटे द्वारक का क्या है? माना कि एम एन एक छोटे द्वारक का कौन सी है? अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है? अवतल, जिसकी वक्रता केंद्र कौन सी मान लें बाबू? सी माना है। क्या माना है? सी माना गया है। क्या माना गया? सी माना गया है। इसका वक्रता केंद्र क्या है बाबू? सी है, ठीक है? और फोकस क्या है? एफ है। फोकस क्या है? एफ है। तो हम परावर्तन के नियम से जानते हैं क्या? आपतित किरण यानी कि ये हो गया आपतित किरण, ये आपतित किरण होगा, और परावर्तित किरण क्या होते हैं? आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है? मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अर्थात कोण ए बी सी, देखिए बाबू ये हो गया आपतित किरण ए बी सी, ठीक है? और देखिए ए बी सी बराबर कोण, ये हो गया परावर्तित किरण सी बी एफ, सी बी सी बी एफ, ये देखिए परावर्तित, या आप ये कह सकते हैं पुनः पुनः कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ,
और एक बार इधर चलिए और एक बार इधर से चलिए, ये क्या हो गया सम, ये हम लोग का जो कोण होता है, कौन कोण होता है, एकांतर कोण। बी सी एफ कौन सी है, एकांतर कोण है किसका, ए बी सी का। समीकरण एक और समीकरण दो, समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से क्या, तो बाबू एक में दोनों में देखिए तो क्या है, ये दोनों मिल जा रहा है, एबीसी एबीसी से एबीसी कट गया, क्या बच गया, सी बी एफ बराबर का बचा बी सी एफ, या ये भी इसलिए कोण सी ए बराबर सी बी एफ, ये क्या है एकांतर कोण की सम्मुख भुजा है, क्या है एकांतर कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर होती है। देखिए बोल लिखा है एकांतर कोण की जो सम्मुख भुजा होती है कौन सी होती है, बराबर होती है, क्या होती है बराबर होती है, अर्थात सी एफ बराबर भुजा। देखिए बाबू ये सी से एफ क्या है, सी एफ बराबर पी एफ, बराबर कौन सी पी एफ, ठीक है ये बराबर हो जाएगा, यानी कि सी पी बटे इसको दो भाग में बांट दिया, कहीं से बटा ना दो भाग दो भाग, और मान ले सी पी को सी सी से पी को आर माने और सी से एफ को क्या माने, सी एफ बराबर पी एफ का माने एफ माने, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर क्या होगा आर बटा दो, यही हम लोग क्या हो गया प्रूव हो गया, क्या हुआ प्रूव हुआ। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आया होगा, एक बार फिर से समझ लीजिए, गोली दर्पण और वक्रता दीजिए कि फोकस दूरी क्या होती है, उसका संबंध क्या है, ध्यान रखिए बाबू गोली दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वक्रता त्रिज्या क्या होती है आधी होती है, क्या होती है आधी होती है, कौन सी होती है आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है कौन सी फोकस दूरी। एग्जाम में पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में जो गोली दर्पण की, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है आधी होती है पूरी होती है इनमें से दोगुनी होती है, तीन गुनी एक सब पूछता है, या इसको हम लिख सकते हैं बाबू आर बराबर दू एफ, क्या लिख सकते हैं आर बराबर दू एफ भी लिख सकते हैं ना, ठीक है ये भी समान हो सकता है, वक्रता त्रिज्या जो होगी फोकस दूरी क्या होती है दोगुनी होती है, ठीक है ये फिगर हुआ हम लोगों का। देखिए माना कि मैंने माना कि एम और एन एक छोटे द्वारा कौन सी है अवतल दर्पण है, कौन दर्पण है अवतल दर्पण है जिसका वक्रता केंद्र क्या है देखो बाबू सी है और फोकस दूरी क्या है एफ है, फोकस क्या है एफ है, तो परावर्तन के नियम से हम जानते हैं कि आपतित किरण परावर्तित होता है आपतन विरोध तिरंग के नुकसान, और दूसरा नियम कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, ये आपतन कोण ए बी सी परावर्तन कोण सी बी एफ, ठीक है क्या होगा समीकरण एक, क्या कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ, कौन सी हो गया कौन कोण हो गया एकांतर कोण। समीकरण एक और दूसरे ए बी सी ए बी सी कट जाएगा तो बचेगा सी बी एफ बराबर कौन सी बी सी एफ, या बाबू इधर ध्यान देंगे या सी एफ बराबर बी एफ का है, क्योंकि चूंकि हम जानते हैं कि एकांतर कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है बराबर होती है, क्या होती है बराबर, एकांतर कोण की जो सम्मुख भुजा होती है क्या होती है बराबर होती है, या अगर हम या सी एफ बराबर का लिख सकते हैं सी एफ बराबर पी एफ, समझिए देखिए बाबू ये सी एफ है अब इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं पी एफ बराबर सी पी बटा दो, कहाँ से सी पी आया तो सी से पी यहाँ से यहाँ तक कौन बांट दो भाग में बांटा है, यही ना सी एफ दो भाग में बांट रहा है, या अगर हम सी एफ को या पी एफ को एफ से सूचित करें और सी पी को आर से तो एफ बराबर क्या हो जाएगा आर बटा दो या आर बराबर दो एस, अर्थात कह सकते हैं वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दोगुनी होती है या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मेरे ख्याल से आप सभी को ये समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इस वीडियो में बस इतना ही, मैं आगे वाला वीडियो में आपको बताऊंगा कि अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है कैसे बनता है कहाँ रखते हैं तो क्या बनेगा कैसे बनेगा, ठीक है आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए वीडियो को देखिए बस ये ज्यादा कुछ क्वेश्चन, और हम चाहे तो इस पर क्वेश्चन भी बना सकते हैं जैसे क्वेश्चन देख लेंगे, एक एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन रहेगा एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्या निकालेंगे वक्रता त्रिज्या, तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें, फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है तो ध्यान देंगे बाबू, तो वक्रता त्रिज्या आर बराबर क्या होता है दू एफ होता है, या यहाँ पर देखिए बाबू फोकस एफ बराबर कितना दिया है लिखेंगे यहाँ
ए बराबर 20 सेंटीमीटर, इसलिए आर वक्र का त्रिज्या वर्ग का होता है 2f बराबर 2 गुने 20, 20 दुना के 40 सेंटीमीटर कौन सी फोकस दूरी। मेरे ख्याल से ऐसा ही आपका सवाल और भी बन सकता है, इस पे एक ही एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को बार-बार देखिए, और भी ऐसा जो भी सवाल है बन जाएगा। ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग आगे का टॉपिक देखेंगे, ठीक है। गुड बाय।